अभिवादन स्वीकार करें, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि सड़क पर दिखाई देने वाली उबर या ओला टैक्सी कभी हवा में भी उड़ती दिखाई देगी? जी हाँ, अब नेशनल ड्रोन पॉलिसी के नियमों में कुछ बदलाव होने से भारत में भी यह संभव होने जा रहा है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि रूल्स को रिलैक्स करने का क्या सिग्निफिकेंस है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रोन संचालन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके नियमों को काफी रिलैक्स कर दिया है। ड्रोन के नए नियमों से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के साथ साथ कृषि, खनन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में काफी मदद मिलेगी। शीघ्र ही देश में हवा में उड़ती हुई टैक्सी भी दिखाई दे सकती है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। किसी भी प्रकार के ड्रोन लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन ऑपरेशंस भी सिखाए जाएंगे। किसी भी सर्टिफाइड स्कूल से ड्रोन ऑपरेशन सीखना होगा। वहां से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद DGCA 15 दिनों में रिमोट पायलट लाइसेंस जारी कर देगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उड़ने वाले सभी ड्रोन को एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। न्यू नेशनल ड्रोन पॉलिसी के अंतर्गत ड्रोन संचालन के लिए अब 25 की जगह केवल 5 फॉर्म भरने होंगे। वहीं रिमोट पायलट लाइसेंस फीस की राशि को भी 3000 से घटाकर मात्र 100 रुपए कर दिया गया है और पायलट लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड होगा, जबकि पहले ड्रोन संचालन के लिए साइज के हिसाब से फीस ली जाती थी, जो कि अब सभी ड्रोन के लिए बराबर होगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर एक इंटरेक्टिव एयर स्पेस मैप भी डिस्प्ले किया जाएगा, जिसमें 3 जोन दिखाई देंगे, येलो जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन। इन तीनों जोन्स की सहायता से ड्रोन ऑपरेटर्स ये जान पाएंगे कि वो ड्रोन एयरक्राफ्ट सिस्टम को किन किन जोन में संचालित कर पाएंगे और किन में संचालित नहीं कर पाएंगे। नए नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मंजूरी की जगह सेल्फ अटेस्टेशन को मान्य कर दिया गया है। माल ढुलाई के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ड्रोन ऑपरेशन के लिए फॉरेन ओनरशिप पर भी कोई रोक नहीं होगी। इससे ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप में विदेशी निवेश आसानी से मिल सकेगा। उदाहरण के लिए येलो जोन, जो कि पहले एयरपोर्ट पेरीमीटर से 45 किलोमीटर तक था, उसको अब घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। अर्थात एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर के जोन के बाहर ग्रीन जोन होगा, जहां ऑपरेटर्स ड्रोन को संचालित कर सकेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रीन जोन 400 फीट या 120 मीटर ऊंचाई तक होगा। केंद्र सरकार की वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने की योजना है। डिफेंस, होम और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एयर टैक्सी की दिशा में मिलकर कार्य कर रहे हैं। 200 से अधिक स्टार्टअप ड्रोन के इकोसिस्टम से जुड़े हैं और नए नियमों की मदद से वर्ष 2030 तक ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप करने की योजना है। ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सरकार अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्रमोशन काउंसिल का भी गठन करेगी। नए नियम के अंतर्गत ड्रोन के कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। ड्रोन रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इश्यू होने से पहले लिए जाने वाले सिक्योरिटी क्लियरेंस को समाप्त कर दिया गया है। न्यू नेशनल ड्रोन पॉलिसी किसी भी नियम के वायलेशन होने पर लगने वाली पेनाल्टी को भी कम करके अधिकतम 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। दुनिया के कई हिस्सों में ड्रोन टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है। ड्रोन को एविएशन सेक्टर का भविष्य बताया जा रहा है। निश्चित रूप से नए ड्रोन नियमों से भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक ग्लोबल ड्रोन मार्केट $43 बिलियन हो जाएगा। ड्रोन मार्केट में चीन का 80% कब्जा है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन मार्केट अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है। भारत की हिस्सेदारी मात्र 4.25% है। आने वाले समय में ट्रैफिक से बचने के लिए, अपनी लोकेशन पर टाइम से पहुंचने के लिए ड्रोन टैक्सी का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में ड्रोन इंडस्ट्री तकरीबन 62,000 करोड़ की हो जाएगी और इससे 5,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये थी न्यू नेशनल ड्रोन पॉलिसी के नियमों के बदलाव के संबंध में आज की प्रस्तुति। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भी जाम मामूली हो गया है, लेकिन अब बस और नहीं, अब आप जाम को चीर कर उड़ान भर सकेंगे। ओला जो रेंटल कार ऐप है, जिसे बुक करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, वो आपको फ्लाइंग कार भी ऑफर कर रही है। यानी कार भूल जाइए और कार फ्लाइंग को बुक कीजिए। लेकिन क्या वाकई में क्या ये कोई मजाक है या हकीकत, इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा।
फ्लाइंग जेट और फ्लाइंग प्लेन के बाद अब फ्लाइंग कार भी आ चुकी हैं। अप्रैल के पहले दिन ही कैब सर्विस देने वाली कंपनी ओला ने फ्लाइंग कार को मुमकिन कर दिखाया है। भारतीय फर्म ने दुनिया का पहला और फुली ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को दुनिया के सामने पेश किया। वहीं कई यूजर्स ने इस गाड़ी की बुकिंग डिटेल्स भी It's got four what are called stacked rotors, so eight rotors total, and so it's a very safe design because if one of these rotors or motors or any of these components fails, the aircraft is still completely flyable. It's a completely new type of vehicle.